जी आओ, क्या बात होगी? तबियत क्या हो रही है? हल्का फुल्का है अब तो, महसूस हो रहा है। जैसे बोला था वैसे एक्टिंग कर रहा हूँ, जैसा बोल गए थे। तबियत नासाज हो गई है। सुनो, कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली। अरे हम भी दिल्ली से। कौन सी जगह से? दिल्ली कैंट। तो भाई देखो, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। चंगला के आगे हम आ चुके हैं और ये देखो हमारे फौजियों का, इंडियन आर्मी का देखो बंकर बना हुआ है। तो चारों तरफ पहाड़ है और चाइना बॉर्डर नज़दीक है ना, तो इसलिए बंकर तो खैर हर जगह ही मिलते हैं। और इसमें हमारे फौजी जो है सैनिकों बैठे हैं। दिल से सलाम है भाई, इनको दिल से सलाम। रेत ही रेत है देखो गाइस, व्हाइट, बिल्कुल फ्री का रेत, व्हाइट रेगिस्तान एक्चुअली है ना। तो गाइस जैसे राजस्थान में होता है ना रेगिस्तान ही रेगिस्तान चारों तरफ, तो उस तरह से ना ये पहाड़ों के बीच में रेगिस्तान है। गोवा के रोड भी मतलब फेल है, आप ये देख लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो में देख ही सकते हो कि जो मुंबई एक्सप्रेस वे बना है ना, वो बना प्लेन में है, बट पहाड़ के अंदर में ऐसा रोड बनाना सच में यार अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसे रोड बना दिए और टूरिस्ट के लिए इतना इजी हो गया है। पेंगोंग लेक जाना या लद्दाख जाना, टू इजी। देखो दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, अभी तक पता नहीं कौन कौन से स्टेट के लोग मिल चुके हैं हमें। ये देखो गाइस, वाओ यार, व्हाट अ सीनरी यार। तो गाइस एक बात और है, जैसे मैं कश्मीर बहुत बार घूमा हुआ है ना, और ऑलमोस्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया तो मैं घूम ही चुका हूँ, फॉरेन कंट्रीज भी बहुत घूमी है, लेकिन इस वाले जो लोकेशन है ना ये लद्दाख की, ये देख के ऐसा मतलब लगता है कि इससे अलग कुछ इंडिया में है नहीं। ये सबसे नंबर वन पे आती है, और बिल्कुल जैसे इजिप्ट वगैरह है ना कंट्री, बिल्कुल वही वाला फील दे रही है। देखो मतलब ऐसे अगर कंटेंट मिल जाए किसी ट्रैवलर को तो क्या ही बात हो। हाय हाय गाइस, फाइनली मजा आ रहा है आपको? बहुत। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक, और ये विजय साथ में है, ये अमित प्रधान जी, बाकी सब ठंडे बस्ते हैं, तीन बस्ते ठंडे हमारे पास, और क्या नहीं तीन नहीं दो, क्योंकि सूरू तो पीछे बैठा हुआ है ना, सूरू की इसमें कोई गलती नहीं है। और अभी हम पहुंचेंगे भाई, अपना एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा पहुंच के आपको मिलवाते हैं भाई पेंगोंग लेक। और अब आपको मैं नज़ारा दिखा देता हूँ पेंगोंग लेक का। ये देखो मेरे पीछे पेंगोंग लेक आ चुकी है, अभी आपको पूरी लेक दिखाता हूँ। मस्त एकदम यहाँ पे मौसम, ये देखो गाइस पेंगोंग लेक, द सेकेंड हेवन ऑफ वर्ल्ड तो नहीं बोलेंगे, है ना, मतलब कि अगर जन्नत है, स्वर्ग कहीं है भगवान के पास, तो उसके बाद स्वर्ग यही है। तो ये देखो ये थ्री इडियट वाले स्कूटर, और जो यहाँ पे बैठ के जो अपना वो उन्होंने थ्री जो करते हैं ना, ऑल इज वेल जो गाने में शूटिंग में आता है, ये देखो ये रहा। और नीचे चलते हैं, अभी पूरा लेक के पास चलते हैं। शुरू आ जा, आओ भाई आओ, विजय आ जा नीचे खिंचवाएंगे, आ जा चलते हैं। आप टूरिस्ट देख लो कितने हैं यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है 4:15 और पूरे में टूरिस्ट टूरिस्ट भरा हुआ है, तो सुबह से काफ़ी लोग आके भी चले गए होंगे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट है। अब हम चलते हैं नीचे बिल्कुल लेक के पास। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली। दिल्ली? अरे हम भी दिल्ली से। कौन सी जगह से? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट, ओके। हम वसंत कुंड से हैं, हमारे पास के ही हैं आप? हाँ बिल्कुल पास के हैं, दिल्ली में तो कोई कोने पे भी हो तो भी पास का ही है। कब आए थे? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, वापसी कब की है? अच्छा 1-2 दिन है अभी। चलो बढ़िया, मज़ा आ रहा है, जगह ही ऐसी है ना। फर्स्ट टाइम आए हो? छोटे-छोटे आए थे, अभी थोड़े बड़े हो गए।
मुझे तो बता जिंदगी। यहाँ पे बिल्कुल नीला पानी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब जिसकी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो इसका मैं बता दूं, पेंगोंग लेक का ये 140 किलोमीटर में पूरी लेक है, मतलब टोटल इसकी जो लेंथ है वो 140 किलोमीटर की। गहराई तो भाई डेप्थ तो पता नहीं है मुझे, तो 140 में से 40 इंडिया के पास है और 100 किलोमीटर की जो है वो चाइना के पास है। और इसके अंदर ना अंडर वाटर यानी कि अंडर दी लेक हमारे जो फौजी हैं नेवी वाले वो इसमें घूमते रहते हैं, क्योंकि चाइना है तो हमला कहीं से भी कर सकता है अपने कब्जे में लेने के लिए। तो अभी हम भाई यहाँ पे हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी सारा, सारी अपनी टीम। ये देखो कितने सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं यहाँ पे, और मौसम देख लो कैसा है। ये दिल्ली से आई आंटी, अभी मेरी बात हुई थी, ठीक है। ये विजय है, पूरा एंजॉय कर रहा है। ओके रिपोर्ट है, नहाना है तेरे को इसमें? एक 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 प्लीज यार, एक बार स्विम कर ले इसमें। ये देखो हाँ ठंडा है, नहा सकते हैं यार। जब हम वहाँ पे नहाए थे उस दिन सर्दी में, पिता को याद है सितंबर में कश्मीर में। तो गाइस अभी हम चलेंगे यहाँ से अपने कैंप की तरफ, अभी हम अपने कैंप की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, कल निकलेंगे हम हैनले। तो अभी यहाँ से चलते हैं और कैंप पे चल के आपको मिलवाते हैं, वहाँ पे अपना बढ़िया सा खाना बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। बड़ा मस्त आज का ये व्लॉग होने वाला है, और जो कि अभी तक हो भी चुका है। तो अभी चलते हैं आगे गाइस। विजय यहीं लगा ले टेंट, जल्दी आ, जल्दी खींच के भाग के आओ। अबे दौड़ के आओ, दौड़ के। सबसे ज्यादा फिट कौन है दोनों तीनों में से? वो बेटे संजीव अकरा चल गया बेटा। हाँ 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 आओ 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 मेरे। एक पॉइंट गया और मुझे ऊपर रुक जाओ, खेल लो। रोड बढ़िया ना हमारे, आओ चलो चलो ठंडे भाई। आओ संजीव जी, संजीव जी आओ, इसे बंद करके उसे खोलो। संजीव जी आओ, क्या बात होगी? तबीयत क्या बात है भैया? हल्का फुल्का है अब तो महसूस हो रहा है, जैसे बोला था वैसे एक्टिंग कर रहा हूं, जैसा बोल गए थे। तबीयत नासाज हो गई है, सुनो सुनो इसे चक्कर सेट हुआ है। कुछ भी ना हो रहा, कुछ भी ना हो रहा, बोलिए क्या बोलूं। हां गाना गाए, कोई गाना गाए, कौन सा? कोई भी गाता है। मेरा दिल भी कितना, कोई भी गाता है। मेरा दिल भी पुलिस होती गाना छोड़ दो, बंद कर यार, अभी चार्जिंग पे लगा ये फोन खत्म होगा। और देखो गाइस चांद दिख रहा है यहाँ पे, देखो बिल्कुल उजाले में और बिल्कुल क्लीन है भाई, क्योंकि आसमान बिल्कुल नीला है ना, ये जबरदस्त चीज है गाइस, ये देखो भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने भाई होटल में, तो मैं बहुत रुकता हूँ, आपने देखा होगा व्लॉग्स में भी, और मेरा अपना भी रिजॉर्ट है। तो अभी आज पेंगोंग लेक के सामने बिल्कुल रिवर फ्रंट पे, लेक फ्रंट पे सॉरी, आज हम रुकेंगे कैंप में। और ये आपको आपको दिखाता हूँ मैं हमारा कैंप, ये देखो सामने पेंगोंग लेक है पूरी सामने, ये गाड़ी खड़ी है अपनी। और अब चलते हैं अंदर, आपको ज़रा दिखा देता हूँ, बिल्कुल लग्जरी जो होता है ना वो वाला यहाँ पे है पेंगोंग लेक में। ये देखो बेड सामने, पूरा चार्जिंग पॉइंट वगैरह, ऊपर लाइट, वाईफाई अवेलेबलिटी, सारी चीज़ यहाँ पे। ये वॉशरूम देखो गाइस, वॉशरूम भी ज़बरदस्त है। तो आज रुकेंगे गाइस इस वाले क्या बोलते हैं कैंप में, और कल फिर यहाँ से अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग मतलब 8-9 बजे, फिर कल निकलेंगे हम यहाँ से अपना सीधा एक और सरप्राइजिंग लोकेशन के लिए, जो कि लद्दाख की वन ऑफ दी फेमस, वन ऑफ दी ब्यूटीफुल लोकेशन है, डेस्टिनेशन है। तो अभी चलते हैं अपना आराम करेंगे, एक बार लेक और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। तो आज की जो हमारी नाइट है, आज का जो स्टे हमारा यहाँ पे आज होने वाला है ज़बरदस्त वाला, अभी तक का सबसे बेस्ट आज यही होगा। ऑक्सीजन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मामला है बिल्कुल। और ये हम फाइनली अब अपना आ चुके हैं पेंगोंग लेक में। तो मिलते हैं गाइस अपना नेक्स्ट व्लॉग में, खाना वाना बनाएंगे हम खुद ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू।